तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें, फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि चीन से मोदी सरकार को लगा एक और बड़ा झटका। गुजरात चुनाव के बीच चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा करके बना दिए 200 मकान। कांग्रेस पार्टी ने किया खुलासा, मोदी सरकार मामले को लेकर चुप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुस्लिम छात्रों को अब नहीं मिलेगी मौलाना आजाद स्कॉलरशिप, केंद्र की मोदी सरकार ने की बंद। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिल्किस बानो की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 13 दिसंबर को करेगा सुनवाई। पलटेगा गुजरात सरकार का फैसला, 11 दोषियों को फिर से होगी जेल। भाजपा के लिए सुप्रीम कोर्ट से मिल सकता है बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश में दमदार जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने आज बना ली अपनी सरकार। सुक्कू को बनाया हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि रामपुर में समाजवादी पार्टी की हार पर बोली मायावती, सपा को वोट करने वाले मुसलमान रामपुर की हार पर करें चिंतन और छोड़े सपा का साथ। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राजस्थान में बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका। बीजेपी के पूर्व विधायक सहित 400 लोग के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में करने जा रहे थे प्रदर्शन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जनवरी में गिर जाएगी महाराष्ट्र में सिंधे और बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार। एनसीपी के विधायक अमोल मिटकरी ने किया बड़ा दावा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात चुनाव के बीच चीन ने मोदी सरकार को दिया एक और बड़ा झटका। भारत की जमीन पर कब्जा करके बना लिए 200 मकान, मोदी सरकार चुप। जहां दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात और हिमाचल चुनाव में व्यस्त केंद्र की मोदी सरकार को चीन ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि भारत में जहां केंद्र की मोदी सरकार बीजेपी का प्रचार करने में और चुनाव जीतने में लगी रही, तो दूसरी तरफ चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा करके चोरी छुपे 200 मकान बना दिए हैं। इसका खुलासा कांग्रेस पार्टी ने किया है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि चीन ने हमारी जमीन पे 200 शेल्टर मकान बना लिए हैं। इस मुद्दे पर अभी तक केंद्र की मोदी सरकार की ओर से कोई भी जवाब नहीं आया है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने शनिवार को पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि चीन की सेना ने हमारी भारतीय सीमा के अंदर देपसांग और डैम चौक में स्थायी सेंटर बना लिए हैं। ये एक गंभीर मुद्दा है, लेकिन केंद्र की सरकार अभी तक इस मुद्दे पर कोई जवाब नहीं दे रही है। श्री नेत ने कहा कि चीन ने जितने शेल्टर बनाए वह 15 से 18 किलोमीटर हमारी सरहद में है। चीन के ये शेल्टर हमारी अखंडता को चुनौती देते हैं। इस मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी को अपने 56 इंच के सीने को दिखाना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि हिमाचल और गुजरात चुनाव के बीच मोदी सरकार को झटका देकर भारत की जमीन पर एक बार फिर से चीन ने कब्जा कर लिया। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिम छात्रों को अब नहीं मिलेगी मौलाना आजाद स्कॉलरशिप, केंद्र की मोदी सरकार ने किया बंद। जय दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने मुस्लिम छात्रों के लिए संचालित होने वाली मौलाना आजाद स्कॉलरशिप को आज बंद कर दिया है। स्कॉलरशिप बंद करने के संबंध में जानकारी अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने दी है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यक वर्ग को प्री मैट्रिक स्तर पर दी जाने वाली स्कॉलरशिप को बंद कर दिया है। लोकसभा में कांग्रेस सदस्य TN प्रतापन ने सवाल जवाब देते हुए स्मृति ईरानी ने ये बात कही है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार जब से आई तब से मुसलमानों के खिलाफ लगातार फैसले लिए जा रहे हैं और उन्हीं में से ये एक फैसला है। अब मुस्लिम छात्रों को स्कॉलरशिप सरकारी स्कूलों में नहीं मिलेगी। आपकी क्या राय इस खबर में हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिल्किस बानो की याचिका सुप्रीम कोर्ट में 13 दिसंबर को सुनवाई के लिए हुई जारी। पलटेगा गुजरात की सरकार का फैसला। जय दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट 13 दिसंबर को बिल्किस बानो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर सकता है। 2002 के गुजरात दंगों में उनके साथ सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के कई सदस्यों की हत्या के दोषी 11 लोगों को रिहाई के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। बिल्किस बानो ने कहा कि सभी दोषियों की रिहाई का फैसला न केवल याचिकाकर्ता, उसकी बड़ी हो चुकी बेटियों, उसके परिवार, बल्कि पूरे समाज, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक झटके के रूप में आया है। जस्टिस अजय रस्तोगी और बेला M त्रिवेदी की पीठ 13 दिसंबर को याचिका पर विचार करने की संभावना है। और 11 दोषी बीजेपी सरकार ने गुजरात में चुनाव से पहले छोड़े थे रेप करने वालों को, उन सभी को दोबारा से जेल में डालने की मांग की है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आज हिमाचल की सत्ता संभालेंगे कांग्रेस नेता सुक्कू, शपथ ग्रहण समारोह में सोनिया गांधी राहुल भी होंगे शामिल। जय दोस्तों आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में शानदार जीत हासिल करने के बाद अब सरकार बनाने की कांग्रेस पार्टी ने तैयारी कर ली है। दरअसल आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में आज मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लगने के साथ ही पिछले एक महीने से चल रही चुनावी गतिविधियां भी समाप्त हो गई। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने दमदार जीत के साथ ही भारतीय जनता पार्टी से सत्ता की कुर्सी हथिया ली और प्रदेश का रिवाज भी
कायम रहा। पिछले 42 सालों की चुनावी राजनीति में हिमाचल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ जब एक ही पार्टी ने लगातार दो बार जीत हासिल की हो, इस बार भी ऐसा ही हुआ। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की हिमाचल की 68 सीटों में 40 सीटों पर जो है कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की तमाम उठापटक के बाद कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक में सुखविंदर सिंह सुक्कू को हिमाचल का अगला मुख्यमंत्री चुन लिया है। सुक्कू के अलावा मुकेश अग्निहोत्री को उप मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश का बनाए जाने का ऐलान किया गया है। पिछली विधानसभा में अग्निहोत्री नेता प्रतिपक्ष थे। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आज होगा। कांग्रेस के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री 11 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह में 1:30 बजे जो है इकट्ठे होंगे। वहीं इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत सोनिया गांधी हिस्सा लेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आज कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश में सरकार बन जाएगी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो रामपुर की हार पर बोली समाजवादी पार्टी के खिलाफ मायावती, कहा सपा को वोट करने वाले मुसलमान रामपुर की हार पर करें चिंतन। जदयू आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती पहले भी कई बार अपने बयानों को में कह चुकी है कि सपा भाजपा का सामना नहीं कर सकती, मुसलमान सपा को समर्थन करने पर विचार करें। रविवार को उन्होंने एक बार फिर से रामपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सपा की हार पर सवाल उठाते हुए कहा कि कहीं ये भाजपा व सपा की मिलीभगत तो नहीं है। उन्होंने कहा कि सपा को समर्थन करने वाले मुसलमान समाज को चिंतन करने की जरूरत है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यूपी के मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा की हुई जीत, किंतु रामपुर विधानसभा उपचुनाव में आजम खान की खास सीट पर योजनाबद्ध कम वोटिंग करवाकर सपा की पहली बार हुई हार पर ये चर्चा काफ़ी गर्म है। कहीं ये सब सपा व भाजपा की अंदरूनी मिलीभगत का परिणाम तो नहीं है। इस बारे में मुस्लिम समाज को चिंतन करना चाहिए और समझना चाहिए कि समाजवादी पार्टी कहीं उन्हें धोखा तो नहीं दे रही है। इसलिए मुस्लिम समाज को समाजवादी पार्टी छोड़कर बीएसपी का साथ देना चाहिए। तो ये बड़ी दोस्तों अगली खबर की ओर। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हंगामा, 18 साल में देश में बेटी की शादी तो मुस्लिम धर्म में 15 साल में क्यों। जय दोस्तों आपको बता दें कि चुनावी सरगर्मियों के साथ ही हाल ही के दिनों में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा सुर्खियों में है। इस साल जहां जहां भी विधानसभा चुनाव हुए हैं उन सभी राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड का बड़ा चुनावी मुद्दा उभर कर रहा। बीजेपी ने अपने प्रचार अभियान में इसे बड़े तौर पर पेश किया। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अब सवाल ये उठाए जा रहे हैं दोस्तों की पूरे देश में हिंदू लड़कियाँ 18 साल में शादी करने के लिए मान्य होती हैं, जबकि कई हाई कोर्टों ने मुस्लिम लड़कियों को 15 साल में ही शादी करने का अधिकार दिया। अब इस पर सवाल ये उठता है दोस्तों कि मुस्लिमों को छोड़कर 18 साल में हिंदू लड़कियों को शादी के लिए परिपक्व माना गया, जबकि मुस्लिम धर्म की लड़कियों को 15 साल में ही शादी के लिए परिपक्व माना गया है। इसका विरोध हो रहा है कि दोस्तों कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तो इन सभी को एक समान किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बीजेपी के पूर्व विधायक सहित 400 लोगों के खिलाफ राजस्थान में मामला हुआ दर्ज। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान करने जा रहे थे प्रदर्शन। जय दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दरा क्षेत्र में प्रदर्शन करने जा रहे भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक हीरालाल नागर सहित सैकड़ों किसान व कार्यकर्ताओं ने कनवास में प्रदर्शन किया था और जमकर नारेबाजी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ की थी। इस दौरान विवाद होने पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसके बाद मामला और गर्मा गया। इसके बाद कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए और कनवास रोड जाम कर दिया। इस मामले में पुलिस ने अब मामला दर्ज किया है। पुलिस ने पूर्व बीजेपी के विधायक हीरालाल नागर सहित 400 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने कनवास थाने मामला दर्ज किया है कि बीजेपी के शांगोद से पूर्व विधायक हीरालाल नागर समेत 24 लोगों पर नामजद व 400 अन्य के खिलाफ उपद्रव करने की कोशिश से मामला दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को विफल करने के लिए इस तरह की कार्रवाई बीजेपी के नेता लगातार कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो महाराष्ट्र में गिरेगी शिंदे की सरकार। जय दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो शिंदे सरकार गिर जाएगी, इसलिए प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार नहीं किया जा रहा है। ये दावा एनसीपी विधायक अमोल मिटकरी ने किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विधानसभा सत्र के रन अप में खातों को स्थायी रूप से सौंपने का स्पष्ट अर्थ है कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा। मिटकरी ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि सरकार में दम है तो कम से कम जनवरी महीने में मंत्रिमंडल का विस्तार कर दे। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जानते हैं कि कैबिनेट का विस्तार होगा तो झगड़े होंगे, इसलिए कैबिनेट का विस्तार नहीं होगा। मिटकरी ने यह भी कहा कि जब अदालत की बेंच फैसला करेगी तो इस सरकार में शामिल विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, तब सरकार अपने आप गिर जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी के एक बार फिर से देश दुनिया की मुख्य ताजा बड़ी खबरों में। सबसे पहली बड़ी खबर जो सामने निकल कर आई दोस्तों कि हिमाचल में चुनाव हारने के बाद बीजेपी को लगने वाला है एक और बड़ा झटका। बीजेपी के 7 विधायक कांग्रेस पार्टी में होंगे शामिल। हिमाचल में बीजेपी का होने वाला है सुपड़ा साफ। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पूर्व उत्तर राज्यों में बीजेपी के खिलाफ फिर से विरोध प्रदर्शन हुआ शुरू। आज छात्र संगठन के नेता ब्लैक डे के रूप में मनाएंगे।